डियर फार्मा स्टूडेंट, डी ट्रिपल एसबी की ओर से आई हुई है न्यू फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 19th मार्च से एंड इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 17th अप्रैल, जहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड लेवल रहने वाला है पे का 5। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। देख सकते हैं फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो दो वैकेंसी आई हुई है, वन है अनरिजर्व के लिए एंड वन है ओबीसी के लिए। यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, इट मींस बी फार्मा के स्टूडेंट रहने वाले हैं यहां पर एलिजिबल। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। विद इन सिलेक्शन के बाद इनको विद इन 6 मंथ में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से इनको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। यदि पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक की रहने वाली यहां पर पे स्केल, बहुत ही अच्छी पे स्केल है। साथ ही साथ कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि हम बात करेंगे यदि एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पर ओनली 100 रुपीज रहने वाली है एप्लीकेशन फीस। और साथ ही साथ जो वुमेन कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी एंड कैटेगरी स्टूडेंट्स को कोई भी यहां पर फीस पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगी एप्लीकेशन, जहां पर आप लोग इस वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। यदि बात करते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो 200 मार्क की रहने वाली है आपकी क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे, जहां पर 100 क्वेश्चन रहेंगे नॉन फार्मा से एंड 100 क्वेश्चन रहेंगे फार्मा से। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए GDC क्लासेस ऐप।